तहरीर फरमाया है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में किस जगह उतारा गया, कुछ मालूम नहीं। कोई एक सही रिवायत इस सिलसिले में नहीं है। जद्दा अरबों का अपना एक मकूला है, वो कहते हैं यहाँ उतारा गया। इससे बाज़ लोगों को गलत फहमी हुई है कि जद्दा दादी को कहते हैं। उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ना कि जद, ऐसी बात नहीं है। वो जद्दा दादी हव्वा के मुतल्लिक नहीं है। वो जद्दा का मतलब अलग है, अलहदा है। वो चूँकि समुंदर के साहिल पे है और अलग उसका रास्ता था, इसलिए उसे जद्दा कहा गया है। कोई सबूत नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ लाए हो। श्रीलंका वाले कहते हैं वहाँ से आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे। कुछ पता नहीं है, आए होंगे नहीं आए होंगे क्या मालूम। कोई एक मुस्तनद रिवायत जिसका सबूत तारीख़ से मिलता हो, या जिसका सबूत उससे भी बड़ी चीज़ है कि हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते और सही रिवायत हम तक पहुँच जाती, कि सही ख़त्म हो जाता। जिस मुकाम पर उतारा गया, क्या वो कुरान? कुरान तो बहुत दूर की बात है, सिरे से तारीख से भी साबित नहीं। आए वहाँ जहाँ भी तशरीफ़ लाए, इससे बहस ही क्या है। रूहानियत के सफ़र में मुर्शिद को क्यों ज़रूरी करार दिया गया? अगर एक शख्स मुत्तकी परहेज़गार नमाज रोज़े का अहतमाम करता है और ज़िक्र अज़कार भी बाकायदगी से करता है, तो क्या उसे रूहानियत मिल सकती है? कोशिश कीजिए मियाँ, इसमें क्या रज? लबा वो सफ़र तय कर सकते हैं और किसी की ज़रूरत नहीं है, तो बिस्मिल्लाह कौन रोकता है, कौन मना करता है? ज़रूर, लेकिन आज तक ऐसे हुआ नहीं। रूहानियत अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसकी दुआएं एकदम से कबूल होने लगें और जिधर निगाह उठाए सफ़ों की सफ़ें पलट दे, और रूहानियत ये समझता है कि ताबीज़, तो ये चीज़ें नहीं हैं। रूहानियत नाम है आदमी का तीन या चार चीज़ों पे कंट्रोल हो जाए और एतदाल में आ जाए। इंसान की अकल, उसका गुस्सा और जिन्स, तीन चीज़ें बुनियादी तौर, और तीनों में अगर अफरात होगी, हद से बड़ी होगी तो तबाहकुन है, हद से गिर जाएंगी तो भी तबाहकुन है। आप तजर्बा करके देख लीजिए, अगर आप इन तीन चीज़ों पे बुनियादी तौर पे काबू पा सकते हैं कि आप खुशी में भी वैसी बात करें जैसे आप गुस्से में करें, और गुस्से में भी वैसी बात कीजिए जैसे आप खुशी में करें, और जिन्स के मामले में तो आप ज़ाहिर हैं उस पर क्या तबसरा करना है, और अकल के मामले में कि इंसान की अकल जो फ़ैसला करे उसका वो फ़ैसला वही के कांटे पे भी काबिले कबूल हो। आप करके देख लीजिए, अगर बिस्मिल्लाह आप इस पर कर सकते हैं तो क्या ज़रूरत है खाम खा किसी के पास जाना और आना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज तक हुआ नहीं, ऐसे होता नहीं, इसलिए कि इंसानी नफ्स के जो मकर है ना, ये हर आदमी नहीं जानता। इंसान बड़ा मक्कार है, नफ्स उसका मक्कार है। ठीक जिस गुनाह पे वो लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाता है, मजमे इकट्ठे करता है, सारे ख़ानदान में बदनामी करता है, और जिस पे दूसरे को मलामत करता है तन्हाई में, ठीक उसी गुनाह में वो ख़ुद भी मुबतला होता है। फिर अपने ख़िलाफ़ एहतजाज क्यों नहीं करता? अपने नफ्स को क्यों नहीं कुचलता? अपने आप को बुरा क्यों नहीं कहता? वजह इसीलिए अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, लोगों ने कहा कि अम्मार अपनी नमाज जल्दी पढ़ा देते हैं, तो अम्मार इब्न यासिर ने कहा कैसे जल्दी पढ़ा देता हूँ, बावजूद इसके कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि सलाम फेरने से पहले क्या दुआ मांगनी चाहिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मार दुआ मांगा करो कि अल्लाहुम्मा बिइल्मिकल गैब व बिकुदरतिका अलल खल्क अहयनी माकानतिल हयातु खैरल्ली व तवफ़नी ज़ाकान माकानतिल वफ़ातु खैरल्ली व असअलुकल क़स्द फिल फ़क़्र वल ग़िना। और उसमें वो आता है जुमला भी कि ऐ परवरदिगार, मैं सवाल करता हूँ कि फिर रिज़ा वल ग़ज़ब, मैं गुस्से में भी उतनी ही सही बात करूँ जितना मैं खुशी में सही बात करता हूँ। अगर किसी इंसान को ज़िंदगी में तजर्बा करके देख लेना, गुस्सा उतर जाने के बाद भी 100% इत्मीनान हो कि मुझे यही बात कहनी थी भाई, गुस्से में भी और खुशी में,
सौ हज़ार बार मुबारकबाद के काबिल है, अल्लाह ने तौफीक दी है, उसे अपनी इस्लाह कर ली है। लेकिन अगर गुस्सा उतरने के बाद निदामत हो कि यार मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो फिर आप बताएं किसके पास जाएगा। कोई जगह होनी चाहिए जहाँ दो चार जूते पड़े, आदमी जूते सीधे करे, अपना नफ्स अंदर का टूटे। इसीलिए आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए 1400 बरस की, उम्मत में हुआ ही नहीं है कि खुदा ने किसी आदमी से बड़ा काम लिया और उसे इस आजमाइश की भट्टी से ना गुजारा। बड़े बड़े लोग सब इससे गुजरे, पहले वो कहीं ना कहीं बेटे बने हैं, फिर बाप बने। ये बेटा बने बगैर बाप बनने की जो कोशिशें हैं ना, और सालेह होने के बगैर ही मुसलेह बनने की जो कोशिशें हैं, आज तक तो हमने इस पे दरख्त पे फल देखा नहीं। कि अगर कोई आदमी है करोड़ों में एक आद अल्लाह की तौफीक, बिस्मिल्लाह क्यों नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। जिक्र अज़कार भी बाकायदगी से करता है तो उसे रूहानियत मिल सकती है, उसे अच्छे अखलाक मिल गए तो रूहानियत ही रूहानियत। रूहानियत में फिर मदारिज, असहाबे यमीन में शामिल होना है। असहाबे यमीन से बढ़कर मुकर्रबीन में शामिल होना है। असहाबे यमीन कोई छोटी बात है? अल्लाह ने कुरान में कहा फसलामुल्ला का, अल्लाह की सलामती हो उन पे जो असहाबे यमीन में से। असहाबे यमीन तो वह हैं जिन पे अल्लाह सलाम भेजता है। आपको पता ही होगा कि अहले सुन्ना में खुद इख्तिलाफ़ है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अफसल हैं या उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अफसल हैं। अहले सुन्ना ही में से हमारे अकीदे के जो उलमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को सबसे अफसल करार देते हैं, और वो अहले तशय्यो का भी यही है अकीदे के बाब में कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को सबसे अफसल करार देते हैं। और हमारे यहाँ भी वो दलील क्या देते हैं, उन और अदिल्ला में से एक दलील ये देते हैं कि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह ने सलाम भेजा है और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को जिब्रील अमीन ने सलाम किया है। तो अल्लाह का सलाम बहुत बड़ी चीज़ है। फसलामुल्लाह का मिन असहाबिल यमीन, अल्लाह ने कहा हमारा सलाम है उनको जो राइटिस्ट हैं, जो दाएँ हाथ पे हैं। ये राइटिस्ट होना, दाएँ हाथ में शामिल हो जाना ज़िंदगी के हर मामले में कोई आसान थोड़ा ही। आपकी कोई तारीफ़ करता है 100 बार, आप समझते हैं कि सब खुश आमद है यार, कुछ कहता रहे, इंसाफ इंसाफ है। आपकी मजम्मत करता है, निकलवाना चाहता है अपना काम था कि आपको गुस्सा आए, आप जाके उसकी खातिर लड़ें, आप कहें नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मदा और जम दोनों बराबर, अच्छा कहे बुरा कहे परवाह नहीं, मखलूक सुने ना सुने परवाह नहीं। लोग अप्रिशिएट कर लेंगे तो क्या दे देंगे, लोग बुरा कह लेंगे तो क्या छीन लेंगे। ये हैं असहाबे यमीन। और इससे भी बढ़ के फिर अल्लाह ने कहा मुकर्रबीन, वो जो अल्लाह के करीब हैं। अल्लाह ने कहा है कि तुम्हें क्या पता कि जो हमारे करीब होंगे वो कौन लोग होंगे। वो ऐसे लोग हैं जिनको सुबह शाम एक एक दिन में दो दो मरतबा ताला शानु अपनी ज़ियारत से नवाजेंगे। अल्लाह को देखना छोटी चीज़ नहीं है, अल्लाह की रोयत बहुत, यानी इससे ज़्यादा इनाम हो क्या सकता है। अल्लाह ने कहा है जो लोग नेकी करेंगे हम उन्हें जन्नत देंगे व ज़्यादा, और जन्नत के अलावा भी कुछ देंगे। वो जन्नत के अलावा क्या है? हज़रत उमर इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु की इसी दुआ में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाया था और मुझे कहा था कि बस आलू का, और ये भी मांगना कि अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ लज्जत नज़री इला वजही का, अल्लाह मैं उस नज़र की, उस देखने की लज्जत का जो तुझे देखने से हासिल। हुस्न जो होता है ना वो अपने साथ लज्जत को भी शामिल रखता है, मिक्सअप हुआ हुआ है ना हुस्न और लज्जत। चाहता है कि हसीन चीज़ से इस्तिफादा करे, मुस्तफीद हो। वशौका इला लिकाइक, और अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मेरे दिल में तड़प पैदा हो जाए। शौक कमाना तड़प है, तड़प पैदा हो जाए कि मैं आपसे मिलूँ। मिन गैर फितनत मुज़िल्ला, अल्लाह किसी आजमाइश में ना डाल जो इस नेमत से मुझे महरूम रखे। दर्रा मुदर्रा, अल्लाह ना ऐसी मुसीबत में डाल, तकलीफ़ मुझे पहुँचे और अल्लाह उस तकलीफ़ में बेसब्री का इजहार कर दूँ और क़यामत में रोयत से महरूम हो जाऊँ, तुझे देख ना पाऊँ। अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगूँ।
मैं सवाल कर, ये सारे अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह की रिवायत में असहाब मुकर्रबीन में शामिल होना कोई आसान बात है भाई? बिल्कुल, अगर इसके बगैर हो सकता है क्या रज? रिज्क के दरवाजे अल्लाह की तरफ से बंद मिले कुछ समझ नहीं सकता, कोई नहीं समझ सकता भाई, कुछ पता नहीं। ये रिज्क जो है ना, ये इस कायनात में अल्लाह के उन राजों में से एक राज है जो उसने किसी पे नहीं खोला, कुछ समझ नहीं आती। आप देखें हर दौर में बेवकूफ़ आदमी है, करोड़ों में खेल रहा है, और जितना घटिया और नालायक है उतने ही बड़े ओहदे पे फाइज है, और बासलाहियत आदमी बेकार फिर रहा है। कौमों में जब जवाल होता है तो ऐसे ही होता है। हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के करीब दुनिया भर की अकवाम इस शाम में सीरिया में जमा हो जाएंगी, तो सीरिया में आने वाले लोग उस वक्त के बदतरीन लोग होंगे अपने अखलाकियात के एतबार से। रिस्क मिलेगा? रिस्क के मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अल्लाह की अपनी मर्ज़ी और उसके अपने फ़ैसले हैं। बाकी ये आपने ठीक लिख के आखिर पे कि अगर किसी सवाल का जवाब पहले दे दिया है तो फिर रिपीट कीजिए। प्राइस बॉन्ड के पैसे बिलों और बिजली की अदायगी में दिए जा सकते हैं या नहीं, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। जुमा की दूसरी अजान कब और क्यों शुरू हुई? जबकि रसूलुल्लाह के बाद खिलाफत राशिदा के दौर में कई हदीसें, अरे अरे यार, खिलाफत राशिदा से साबित नहीं है, ये कैसी बात करते हो? एक ही अजान हुआ करती थी। आप एक असूल की बात समझिए, याद रखिए कि जो चीज़ हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी और खुलफाए राशिदीन ने उसे शुरू किया है, वो कतअन बिदअत नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकती, अगर हम उसको बिदअत करार दें तो इस दीन को ताला लगा के घर जा बैठिए। कहाँ हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद का ये मेहराब बनवाया है? खिलाफत राशिदा तक में मेहराब नहीं था, ये मेहराब पहली मर्तबा मुसलमानों की मस्जिद में आया है 80 हिजरी में, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना तो दरकिनार, अमीरुल मोमिनीन मौला सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पर 40 बरस गुजर चुके थे, ताबईन का और अक्सर तबा ताबईन का दौर था, ये मेहराब बनाया गया, किसी ने भी दत्त नहीं कहा। खिलाफत राशिदा तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ये बातें इरशाद फरमाई हैं मुख्तलिफ अहादीस में कि मेरी पैरवी करना और मेरे बाद जो खिलाफत राशिदा आएगी उसकी पैरवी करना, और एक लफ्ज़ का इजाफा फरमाया अल महदीयीन, वो मेरे खुलफा जो होंगे वो हिदायत पे होंगे, महदी होंगे, अल्लाह की तरफ से हिदायत मिलेगी। इसलिए मुतअद्दिद इजाफे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किए गए हैं, उम्मत में किसी ने उसे बिदअत करार नहीं दिया सिवाय इन वहाबियों के, इन्होंने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह उनके फ़ैसलों को काटा है, अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह उनके जितने फ़ैसले हैं इन्होंने उन्हें ठुकराया है। अमीरुल मोमिनीन ने यह कहा था कि तीन तलाक़ें तीन हैं, और अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह उनकी हैसियत ऐसी थी कि जिस चीज़ पे उन्होंने इत्तेफाक करा दिया उम्मत का, और जो चीज़ उन्होंने महज़र सहाबा में तय कर, बड़े दाना आदमी थे, उनकी अक्लमंदी के क्या कहने, उन्होंने अली इब्ने मसूद फलां 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 पर पाबंदी आयद कर दी थी रज़ी अल्लाह उनके, मदीना मुनव्वरा से कहीं नहीं जाओ। अहले तशय्यो का ख्याल ये है कि इसलिए पाबंदी आयद कर दी थी कि या के खिलाफत का दावा कर लेंगे या कुछ और शरारतें करेंगे, बगावत हो जाएगी। हम कहते हैं सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बैतुल मक़दस के सफ़र में गए थे, हज़रत उसैद इब्ने हुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ ले गए थे, तकरीबन डेढ़ दो माह का सफ़र था, और मदीना मुनव्वरा में हकूमत खिलाफत अपनी जगह सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कायम मुकाम बना गए थे। खिलाफत पे कब्ज़े का इससे अच्छा मौका अमीरुल मोमिनीन को क्या मिल सकता था? सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बनू हाशिम नहीं थे, सैयद नहीं थे, उनका ख़ानदान नहीं था,
कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए पाबंदी लगा दी थी सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि उन्होंने खुद ही वजाहत कर दी, यानी जिसका जिसका हुक्म है ना उससे हम नहीं पूछते कि यार ये क्यों किया, जिसका काम है अपनी दिमाग से पूछते हैं किसने ये काम क्यों किया है। भाई उससे भी तो पूछो ना जिसके काम किया है, पहला हक तो उसका है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा मैं किसी को नहीं जाने दूंगा क्योंकि फतूहात मुसलसल हो रही हैं, हुकूमत मुसलसल आगे बढ़ रही है और नए से नए मसाइल आ रहे हैं और उमर अकेला फतवे का बोझ अपने कंधों पर नहीं ले सकता, तुम लोग रहो मुझे मशवरा दो, मुझे बताओ क्या करना है। ये शुराई निज़ाम हुकूमत था, शुरा थी। इसलिए अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु जितने काम उन्होंने किए हैं, जितने फैसले किए हैं, उन्होंने गोया मोहर लगा दी, उन्होंने कहा इससे नहीं हटना तुमने, इससे हटोगे तो गुमराह हो जाओ। वहाबियत ने वो फैसले तब्दील किए। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 20 तरावी पे सब को मुत्तफिक कर दिया था, सब 20 ही पढ़ते थे, ये फिर शोशा उठा 8 का अखबारा। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने 3 तलाकें 3 ही करार दे दी थी, ख़त्म हो गई थी बात, फिर शोशा उठा 3 तलाकें एक है कि नहीं है, हत्ता कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह जैसे आदमी इस बहकावे में आ गए। इससे खुलफाए राशिदीन ने जो काम किया है ना, अगर हम उसे कहें बिदअत है तो फिर आप सारे दीन को ताला लगा दीजिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आई नहीं, पेशी नहीं हुई। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने मुल्क की मईशत दुरुस्त करने के लिए रुपए की वैल्यू में कमी कर दी थी। ये किसी के दिमाग में उस वक्त आ सकता था कि रुपए की वैल्यू में कमी की जाए, इजाफा किया जाए, कैसे मईशत दुरुस्त होगी? उन्होंने अपने ज़माने के सिक्के ही तब्दील कर दिए। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने शराब की हद मुकर्रर कर दी थी, उससे पहले नहीं थी। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह बहुत से काम ऐसे, जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया तो मदीना मुनव्वरा की आबादी बहुत बढ़ गई थी और लोग दूर दूर जगहों पर काम करते थे और 9 मसाजिद थी अहद नबवी अला साहिब सलातुस्सलाम के दौर में, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे की इजाज़त किसी मस्जिद में नहीं दी थी सिवाय अपनी मस्जिद के। इसीलिए ये अहले तशय्यो हैं, इनमें एक जगह जुमा जायज़ है। तहरान में आप देख लीजिए कहीं जुमा नहीं करते, एक जगह उन्होंने इस चीज़ को कायम रखा है। बाकी हमारे यहाँ मुख्तलिफ वजूह से इजाज़त दी गई। नज़ीम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहा कि जहाँ दरिया पड़ता है उसके पार भी जुमा कर लिया करो, इधर भी जुमा कर लिया करो, वगैरह वगैरह। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ये दूसरी आज़ान शुरू हुई है। ये दूसरी आज़ान खुलफाए राशिदीन में, पहली दो खिलाफतों में भी नहीं थी। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मार्केट में लोग ज़्यादा हो गए हैं, दुकानें ज़्यादा बन गई हैं, आबादियाँ फैल गई हैं, इसलिए पहली आज़ान शुरू करो ताकि लोग उस आज़ान के साथ ही सारे काम छोड़ दें और तैयारी शुरू करें, और दूसरी आज़ान दो ताकि मैं खुतबा दूंगा उसके बाद और तुम्हें नमाज पढ़ा दूंगा। इसलिए उस्मान रज़ी अल्लाह ने ये शुरू की थी। इसीलिए वहाबी कहते हैं कि उस्मान की बिदअत है। उस्मान बिदअती था इस वजह से कि उसने दूसरी आज़ान शुरू की, उमर बिदअती था इस वजह से कि उसने तरावी की जमात शुरू की। हालांकि तरावी की जमात ना वक़र के ज़माने में थी ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी। बात सच है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरावी अलग अलग लोग पढ़ लेते थे, 10 हाफिज़ हैं, खड़ा हुआ 4 उसके पीछे, 4 उसके पीछे, 10। सैयदना वक़र रज़ी अल्लाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का दौर आया तो उन्होंने कहा क्यों ना हम मुसलमानों को एक जगह जमा कर दें, इस मस्जिद में इतने हाफिज़ कुरान सुनाते हैं, क्यों ना एक इमाम के पीछे। और आपने कहा बुलाओ साहिब को और बुलाओ फलां को और तमीम को बुलाओ और उसे कहो कुरान पढ़े और उसे कहो लोगों को कि इसके पीछे नमाज पढ़ें। ये सैयदना उमर रज़ी अल्लाह उनका फ़ैसला था, उम्मत मुत्तफिक रही। इन्हें तकलीफ़ हुई कि उमर की बिदअत है, और फिर दूसरी आज़ान ये भी वही है, उस्मान की बिदअत है। अब उसे वो बिदअत उस्मानी कहें, हम तो कहते हैं खिलाफत राशिदा का फ़ैसला है, बिल्कुल ठीक है। और आपने ये जो तहरीर फरमाया कि खुलफाए राशिदीन के दौर से और किसी हदीस से साबित नहीं, आप क्या करते हैं, किस हाल में ये लिखा है? सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह शुरू किया और किसी हदीस से साबित नहीं, हदीस का आप क्या मतलब समझते हैं कि वो चीज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही सुनी हो? ऐसे नहीं है।
याद रखिए हदीस कभी इतलाक होता है हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल पे हत्ता के आपकी खामोशी से भी दीन साबित होता है। एक काम किया गया तो आप चुप रहे, इट मीन्स क्या वो ठीक है, गलत होता तो रोक देते। हदीस ही की तारीफ में ये बात भी आती है कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम बग़ैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिए कोई काम करें, कोई बात कहें, वो भी हदीस की तारीफ है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। हसन बसरी ताबईन के ज़माने के हैं। किसी ने कहा आप सहाबी का नाम नहीं बताते, उन्होंने कहा जो जहाँ मैं सहाबी का जिक्र ना करूँ तो समझ जाया करो कि ये 500 से ज़्यादा सहाबा से मैंने सुना और 500 से कम में मैं जिक्र कर देता हूँ कि फलाने का। हसन बसरी रहमतुल्लाह इसलिए भी जिक्र नहीं करते थे कि उन्हें पता था कि सैयदना अली और दूसरे हजरात की रिवायात रज़ी अल्लाहु अन्हु अगर करेंगे तो उंगलियों की खिलाफत ही मारेंगे, होता था ऐसे। और हत्ता के तबा ताबईन, ताबई जब कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और दरमियान में सहाबा का नाम नहीं लेता, ये हदीसी की किस्म है, इसे हदीस मुरसल भी कहते हैं। तो हदीस का इतलाक मुख्तलिफ चीज़ों पे होता है। हदीस की 40-45 अकसाम हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए। आप चाहें तो तदरीबुर रावी पढ़िए और तदरीबुर रावी के जामिल अज़हर के मशायख ने जो तशरी की है वो किताब आसान है, बहुत अच्छी तशरी है। अलबाइसुल हसीस पढ़ लीजिए, ये जो उलमाए अज़हर ने की है वो कोई 2,250 सफ़े पर है और बहुत अच्छी है, उसे पढ़ लेना चाहिए। आदमी को ज़िंदगी में पेश आने वाली खुशियाँ और गम क्या पहले ख़ास स्कीम के तहत तयशुदा होते हैं या ऐसे तमाम हालात का ताल्लुक ख़ास आदमी के अमल के मुताबिक है? नीज़ अल्लाह ताला बंदे के अच्छे या बुरे अंजाम से आगाह हैं तो फिर अल्लाह की ख्वाहिश का बंदा इसकी रज़ा वाले काम करके क्या ठहरे हैं कामयाब ठहरे, इसका क्या मतलब है? ए भैया इसका क्या मतलब है कि आपने लाइंस इधर की सब लगाई हुई हैं किसी ने और आपने उसको बिल्कुल बरक्स लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? तकदीर की बातें, अल्लाह के फैसले हैं। आदमी को हमेशा तीन चीज़ों से काम लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। हमेशा मोहब्बत का गलबा होना चाहिए, नफ़रतें, हकारत, दूसरों के मुतल्लिक गलत रवैये, खाम खा की बातें जान छुड़ानी चाहिए। इस याद रखो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात समझा दी थी, फरमाया था अबू बकर जितना भी जुल्म हो ना अगर तुम बर्दाश्त कर लो और उसका जवाब ना दो, उसे मुआफ़ कर दो, अल्लाह उतना ही तुम्हारी इज्जत को बढ़ा देगा। बस ये बात समझने की, अपनी शख्सी सतह से ऊपर नहीं, ऊपर का जुल्म तो एहतजाज करना चाहिए, अपनी ज़ाती चीज़ के अलावा अगर कोई जुल्म करता है तो उसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। बहुत से महकमे सबसे सरे फहरिस्त ये जो मारते हैं ना एजेंसियों वाले, इनके जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, लेकिन ये मारते हैं, दलील से बात नहीं सुनते, पढ़े लिखे भी नहीं होते बेचारे, क्या करें। इस जुल्म को जो स्टेट के दर्जे का होता है बोलना चाहिए। जो जुल्म होता है ज़ात पे, किसी ने गाली दे दी, किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने बुरा भला कह दिया, तो जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा दी थी ना कि वक़र जितना तुम मुआफ़ करोगे ना ज़ाती ज़िंदगी में अल्लाह तुम्हारी इज़्ज़त में उतना ही इजाफा कर देगा। एक जगह आया अल्लाह तुम्हारी इतनी मुसीबतों में मदद करेगा, मुसीबत ज़िंदगी की मदद जो खुदा की फौरन नाजिल होती है ना ऐसे चुटकियों में, इससे बड़ा नुस्खा कोई नहीं। जब कोई तौहीन करे समझ लेना चाहिए कि इसका मतलब यह है कि अब अल्लाह ने मुझे इज्जत देनी है, चुप रहे ज़ाती ज़िंदगी ना बोले। इसलिए मोहब्बत का गलबा होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपने तहरीर फरमाया है, ज़िंदगी में हिम्मत का गलबा होना चाहिए, बच्चों औरतों की ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए।
इसीलिए जो बच्चे ज़्यादा औरतों की मजलिस में बैठते रहते हैं ना, ये कम हिम्मत हो जाते हैं, बुजदिल हो जाते हैं। मर्दों में रहना चाहिए, मर्दों जैसे काम होने चाहिए, बुलंद हिम्मत, आली मर्तबा। और तीसरी चीज़ जो आपने तहरीर फरमाया, स्कीम्स और ये और वो, बिल्कुल इस बहस से ऊपर उठ के अपने काम पे नज़र रहनी चाहिए, मैंने करना क्या है। जिब्रील अमीन ख्वाब में आकर कह भी देना कि तुम्हारी तकदीर ये है कि तुमने कल अगर लाहौर गए तो मर जाओगे, तो भी लाहौर जाना चाहिए, वो जाने उसके काम जाने, मैंने अपना काम करना, समझे। अज़्म, हिम्मत, ताकत, वसाइल का सही इस्तेमाल, अपने दिमाग को ज़हनी आवारा गर्दी में मुबतला ना करना। ये ज़हनी आवारगी जो है ना, ये बड़े बड़े लोगों को तबाह कर देती है। ज़हनी आवारगी है ना, कोई सोचने का काम है नहीं, इसको सोचा, सामने ये मंज़र आ गया, उसको सोचना शुरू कर दिया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, खड़े उसको झांक रहे हैं, फिर इधर टीवी लगा हुआ है उसको देख रहा है, फिर क्या क्या, ये ज़हनी आवारगी नहीं तो और क्या। रात को घर देर से आओ तो किसी ज़माने में माँ बाप पूछते थे कि क्या खैरियत तो है, आजकल कहाँ जा रहे हो। तो जिस्मानी आवारगी की तबाही है, ये ज़हनी आवारगी उससे बदतर है। जान छुड़ाई से सीधी तरह अपने काम से काम रख के सोचता है, जिस मौजू पे उस पर सोचे और उसके नताइज तक पहुँचे। असल तरक्की जहन की है, दिमाग की। तो अपने काम से काम, इस चीज़ों को छोड़ दे। अल्लाह ने स्कीम बनाई है तो हमने क्या कर लेना है, फिर बनाई होगी, खुशियाँ देनी होगी, मुझे उस खुशी को सही इस्तेमाल करना है। अल्लाह ने स्कीम बनाई है, गम देना है, क्या परवरदिगार से शिकायत है। अल्लाह से अच्छा गुमान रखने के हम पाबंद हैं। ये फिक्र ना समझ में आए ना, तुम उल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए जो आयात नाजिल हुई हैं ना, इनको ज़रा गौर से पढ़ लीजिए, उसमें ये भी है। ये हमारे लिए सवाल थोड़ा ही है, माथे का मेहराब किस बात की दलील है, स्किन के सेंसिटिव होने की। रोना जो है ना, हत्तुल वसा, इस पे काबू पाना चाहिए, नहीं रोना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि कितना ही अल्लाह से ताल्लुक़ और कुछ ही हो, आंसू नहीं निकलने चाहिए। तन्हाई अलग बात है, लोगों के सामने, किसी के सामने आंसू निकलें, ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी सरहिंदी रहमतुल्लाह मुतल्लिक आता है, इस मुकाम के आदमी थे, एक जगह उनके खुलफ़ा ने लिखा है, हमने ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा हज़रत की आँख से आंसू टपकते हुए देखा, कभी नहीं देखा। नहीं करना चाहिए ऐसे, लेकिन इख्तियार में नहीं होता। तो जब इख्तियार में नहीं होता तो फिर क्या बहस करनी। हमेशा ज़िंदगी में इख्तियारी और गैर इख्तियारी में फ़र्क करना चाहिए, ये ज़िंदगी का उसूल है। जो चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं है, मैंने क्या कर लेना है, ठीक है ना। खाम खा क्या ज़रूरत है पानामा लीक पे तबसरे करने की, भी मेरे इख्तियार में थोड़ी जो करना है कर लेंगे, हमें क्या ज़रूरत, क्या ज़रूरत है इस गर्मी पे बहस करने की या सर्दी पे। जिनके कब्ज़े में है वो कर लेंगे, जिन्होंने अच्छा मौसम करना है कर देंगे। हमेशा गैर इख्तियारी कामों को ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए, वक्त भी बचता है, सलाहियतें भी बचती। तो रोना जो गैर इख्तियारी हो जाता है ना, इस पर किसी का काबू नहीं रहता। सैयदना वकर रज़ी अल्लाह अन्हु की हालत ऐसी थी, कान ला यमलिकु ऐनैहि, वो अपनी आँखों पर काबू ही नहीं रख सकते थे। उधर किसी ने कुरान पढ़ना शुरू किया और इधर अबू बकर को झड़ी लगी रज़ी अल्लाह अन्हु, उधर किसी ने तिलावत शुरू की और ये सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु बाज़ ऐसे थे, धाड़ें मार के रोने लगते थे। मिम्मा आरफू मिनल हक, कुरान कहता है कि जब वो खुदा का कलाम सुनते हैं, तरा आयुनहुम, तुम उनकी आँखों को देखो जब कुरान उन पर पढ़ा जाता है, तफीज़ मिनद दमे, वो मुसलसल आंसू उनके गिरना शुरू हो जाते हैं। मिम्मा आरफू मिनल हक, इसलिए कि उनके दिल ने सच्चाई को जान लिया। सच्चाई की मारिफत,
उसको पहचान जाना, उसके लिए क़याम, ये पहली स्टेज है तहज़ीब की। और तहज़ीब की दूसरी स्टेज उस वक्त आती है जब सच्चाई को फैलाता है, और तीसरी स्टेज जिस पे तहज़ीब दीगर तहज़ीबों को ख़त्म कर देती है, हड़प कर देती है, खा जाती है, वो उस तहज़ीब में ब्यूटिफिकेशन है। तो इसलिए उसूल तो यही है, नहीं रोना चाहिए, लेकिन जब इख्तियार में ना हो तो क्या करें। हज़रत मिर्ज़ा जाने जाना रहमतुल्लाह एक ऐसी अच्छी बात कही है, उन्होंने एक जगह शेर में फरमाया है कि बड़े टॉप के शायर थे यार, हज़रत मिर्ज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों में इनामुल्ला यकीन की तरबियत की थी। और इनामुल्ला यकीन जवान लड़का शायर ऐसे ज़बरदस्त शेर कहता था कि मीर तकी मीर जैसा आदमी घबराता था उसके सामने आने। अगर इनामुल्ला यकीन अल्लाह कभी ज़िंदगी उसे दे देता तो लोग मीर और सौदा को भूल जाते। मिर्ज़ा साहब इतने बड़े आदमी थे, उनके शागिर्दों का ये हाल था। तो उन्होंने कहा, इलाही सरजमीन दर्द दिल का हाल क्या होता, इलाही सरजमीन दर्द दिल का हाल क्या होता गर हमारी आँख चश्मे तर से मीना बरसाती। अगर आंसू ना गिरे ना तो दिल की ज़मीन चटक जाए, दिल की ज़मीन दराड़ें पड़ जाएं उसमें। नमाज और सब्र से मदद हासिल करो, मतलब ये कि जब मुसीबत आए तो नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ और उसकी ख़बर पहुंची अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तक। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की वालिदा उम्मुल फजल, उम्मुल मोमिनीन मैमूना, खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की माँ, ये नौ बहनें थीं और एक से एक बड़े कबीले में ब्याही गई थी। तो जब खाला की वफ़ात की खबर पहुंची तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा खड़े हुए और उन्होंने नमाज शुरू की। तो लोगों ने कहा कि हज़रत इसमें नमाज क्यों पढ़ने का क्या मौका है, जानना चाहते थे लोग। तो उन्होंने कहा, अल्लाह ने कहा जब मुसीबत आ जाए तो सब्र और सलात दो चीज़ों से अल्लाह की रहमत उसकी मदद नाजिल होती है, इसलिए मैं नमाज पढ़ता हूँ कि खाला की मौत से बड़ा दुख हुआ है तो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। अमीन हसन इस्लाही मरहूम थे ना, बड़ा हादसा हो गया था, उनके बेटे थे साले और वो उस वक्त पायलट थे, और पायलट होने के साथ साथ उन्होंने अपने बेटे को इतना पढ़ाया था कि उन अमीन हसन इस्लाही मरहूम समझते थे कि मेरा जानशीन मेरा बेटा है, जवान पायलट, और ऐन काहिरा में पीआईए के हादसे में जाके जहाज़ टकराया और ख़त्म। बार बार अमीन हसन इस्लाही मरहूम उठते थे नमाज पढ़ते, फिर उठते थे फिर नफल, फिर उठते थे फिर नफल, लोग आते थे मिलने ताज़ियत के लिए, वो नफल पढ़ रहे हैं। कहते थे ऐसा सदमा है, अल्लाह ने फरमाया मुझसे मदद मांगो नमाज के ज़रिए और सब्र के ज़रिए, सब्र तो करना ही सो करना है, नमाज भी पढ़ लूँ ताकि दिल को इत्मीनान हो। ये शरीयत, ये इस पर अमल है कि जब दुख तकलीफ़ मुसीबत परेशानी, सबसे पहले दो रकतें, चार दस बीस रकतें पढ़े कि अल्लाह इसको हटा दीजिए, मैं इस काबिल नहीं हूँ, और अगर किसी गुनाह की वजह से वैसे ही मुआफ़ फरमा दें। एक आलिम का कहना है कि मीडिया और इंटरनेट वगैरह दीन के अबलाग के लिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा लोगों के पास चलकर जाने का है। मैं तो यही करूँगा, अल्लाह से इन्हें हिदायत देनी होगी तो मिल जाएगी, मैं खिलाफ सुन्नत काम नहीं करूँगा। क्या कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये दुरुस्त है, और दूसरी तरफ वो कुरान की बजाय दूसरी किताब से तबलीग करते हैं, क्या ये खिलाफ सुन्नत है? भैया उनका यही शौक़ होगा, करने दीजिए, क्या ज़रूरत। एक आदमी नहीं इंटरनेट यूज़ करना चाहता, आप उसे क्यों मजबूर करते हैं, उसको आज़ादी से इस्तेमाल कर लें। वो चाहता है लोगों से मिले तो हमें क्या है, ज़रूर मिले, वसत देना लोगों को, क्यों तंग करते हैं? आपको क्यों एतराज़ है कि वो आदमी इंटरनेट क्यों नहीं यूज़ करता? नहीं करता। हमारे ज़माने में हमारे इरशादुल्लाह कसरी हैं, ये एक नाम ऐसे ही जहन में आ गया है,
उसके उनके अलावा भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मौलाना अहले हदीस हज़रात में अल्लाह का बड़ा कुर्ब, अल्लाह का बड़ा इनाम है उन पर, कुरान पाक की तफसीर लिख रहे हैं, हदीस पे उन्होंने इतना काम किया है, अहले हदीस हज़रात में से इस वक्त जो मुत्तकी और परहेजगार उनमें से एक हस्ती है। इंटरनेट, ये इंटरनेट कह रहा हूँ, ये मोबाइल फ़ोन रखा ही नहीं। कई मरतबा ज़रूरत पेश आती है कि हज़रत इस मसले में हदीस में ये आया है, फ़लाँ जगह यह आया, तो हम पूछते हैं तो जवाब दे देते हैं, और किसी के मोबाइल फ़ोन के थ्रू रखा ही नहीं सिरे से, तो क्या गुनाह है? नहीं करते, आज़ादी दीजिए, वो समझते हैं। लेकिन इसमें ये जो एक लफ्ज़ है ना कि उनका कहना है कि ये खिलाफ सुन्नत है, ऐसे नहीं, ये ना कहें कि खिलाफ सुन्नत, क्योंकि अगर वो कहेंगे खिलाफ सुन्नत है तो उम्मत में जो लोग अफराद इस्तेमाल करते हैं वो गुनाहगार हो जाएंगे, सुन्नत के खिलाफ काम, आपका फतवे की जद में वो आ जाएंगे। ये मत कहिए कि खिलाफ सुन्नत, अगर ये खिलाफ सुन्नत है तो फिर इस मेहराब का बनाना भी खिलाफ सुन्नत है, फिर इस दरवाजे का लगाना भी खिलाफ सुन्नत है, फिर मस्जिद में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो खिलाफ सुन्नत है। अहले तशय्यो यही तो कहते हैं, वो कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम जिन्हें वो मानते हैं हमेशा मिट्टी पे सजदा करते थे। वो कहते हैं जो तुम चटाई और कालीन पे सजदा करते हो तो सजदा नहीं होता। जो असल में शिया उलमा है ना, वो यही फतवा देते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि हमेशा नमाज के वक्त सामने टिकिया रखो। तो आपने देखा होगा अहले तशय्यो जब नमाज पढ़ते हैं तो मिट्टी की टिकिया रखते हैं, सजदा उस पर करते हैं, क्योंकि मिट्टी पर सजदा है ना उनके नज़दीक। तो कहते हैं ये चटाइयाँ ये सुन्नत के ख़िलाफ़ तुम लोग करते हो। तो हम अगर जदीद ज़माने में आने वाले ज़राए को सुन्नत के ख़िलाफ़ करार दें, जबकि ये ज़राए शरीयत से न टकराते हों और हम इन्हें ख़िलाफ़ सुन्नत करार दें, तो हम उम्मत को ख़ुद गुमराही पर डाल दें। इसी ये ना कहिए कि खिलाफ सुन्नत है, ना इस्तेमाल कीजिए, क्या रच। और कुरान की बजाय दूसरी किताब से तबलीग करते हैं तो ठीक करते होंगे भाई, उन्हें दूसरी किताब पे शरह सदर होगा। अब एक आदमी कुरान के दर्स की बजाय बुखारी शरीफ का दर्स दे तो फिर आप क्या कहेंगे? हमेशा याद रखिए फतवा लोगों की वसअत, गुंजाइश, लोगों को आज़ादी, उनकी मुश्किल को हल करने के लिए होता है। फतवे इसलिए नहीं होते कि लोगों को जकड़ो और पकड़ो और मारो और कुफर के फतवे दो। लोगों को हत्तुल वसा सहूलत देनी चाहिए ताकि अपने परवरदिगार का कुर्ब हासिल करें।